संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली तथा दमण दीव में शिक्षण विभाग द्वारा विद्यार्थियों ने मिशन विद्या अभियान अंतर्गत शिक्षकों साथ विद्यार्थियों ने सीधो संवाद कार्यक्रम योजना आगामी 31 मार्च सुधी चालना संवाद कार्यक्रम में संघ प्रदेश 16,000 शिक्षकों सरकारी गाइडलाइन मुजब विद्यार्थियों साथ संवाद कर संघ प्रदेश में कथड़ता जता शिक्षण स्तर ऊंचू लावा अभियान शुरू कर गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन से विश्वास उठ जा रहा है, उठ गया है। रिसेंटली अभी एक ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटर साहब के कोर्ट में कुछ टीचर्स गए थे, आप में से भी कोई हो सकते हैं, तो सर का एक ही सवाल उनसे था कि प्राइवेट स्कूल के अंदर सैलरी कम और गवर्नमेंट स्कूल में सैलरी ज़्यादा, वहाँ रिजल्ट प्राइवेट स्कूल में सैलरी कम बट रिजल्ट बहुत अच्छा बेहतर, और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सैलरी ज़्यादा रिजल्ट इतना खराब, इसका कारण कौन है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? उन्होंने कहा मैं खुद, ये शिक्षा सचिव यहां बैठी है, ये डायरेक्टर, आप लोग टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कौन है इसका जिम्मेदार? गवर्नमेंट स्कूल, ओहो यहां तो पढ़ाई का कुछ ठिकाना नहीं। वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज हैं आप, बेस्ट ऑफ द माइंड्स गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, प्राइवेट की नौकरी छोड़ के भी अगर कॉन्ट्रैक्चुअल की जॉब भी मिल रही है सरकार में वो भी लेना चाहते हैं, तो रिसोर्स बेस्ट है हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेस्ट है, हमारे पास सब कुछ है, तो हमारी पढ़ाई में कमी क्यों? दूसरा कारण ये है, और तीसरा कारण ये होगा कि स्कूल का एटमॉस्फेयर की वजह से या घर का कुछ एटमॉस्फेयर होगा ऐसा, जैसे बच्चा स्कूल में आ नहीं सकता होगा, तो उसमें अहम बात यह है कि टीचर के लिए लिखा हुआ है कि घर का कोई कारण है, वो उसने नहीं लिख दिया है, उसको पढ़ा आपने किया, कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं? पादरी पढ़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल में। अच्छा, तो बहुत ही आपका अभिनंदन, आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका लॉजिक चलता है ना, वो ऐसी चीजें पूछता है। तो एक्चुअली क्या है कि हमारे पास गुणोत्सव के रिजल्ट आज हम ये इंटरेक्शन प्रोग्राम है विद एलिमेंट्री टीचर्स, बेसिकली ये जितने भी संघ प्रदेश दमन दीव दादरा नगर हवेली के हमारे गवर्नमेंट स्कूल के प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स हैं उनके साथ एक हमने संवाद किया है। अभी तक हम 1600 टीचर्स दादरा नगर हवेली के कवर कर चुके हैं, तो उसके अंदर मैं खुद और डायरेक्टर एजुकेशन हमारी दोनों हम लोग जाके और सभी टीचर्स को हमने संवाद किया है, इंटरेक्शन किया है, और इसका पर्पस ये है कि बेसिकली हम जब हम फील्ड पे जाके देख रहे हैं और नैस का सर्वे देख रहे हैं, गुणोत्सव का देख रहे हैं, तो हमें ये समझ आ रहा है कि हमारे सभी बच्चे पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, और कोविड के समय में बच्चे बहुत समय से घर पे भी हैं। तो एक मिशन हमने स्टार्ट किया है और वो मिशन विद्या 2 है, जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी अचीव कर सकें, तो बेसिकली बच्चा पढ़ना लिखना और बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन सीख सके। इसके अंदर हमारी प्लानिंग ये है कि हम 1 से 8वीं कक्षा के सभी बच्चों को जो जिस हैबिटेशन में रहता है, तो जैसे एक पाड़ा में रहते हैं, तो वहाँ 20 से 30 बच्चों को एक टीचर को हमने नियुक्त कर दिया है, डिप्लॉय किया है कि वो उन 30 बच्चों को 2 महीने के अंदर, तो 26 जनवरी से हम इसे शुरू करेंगे, 31 मार्च तक वो इन बच्चों को पढ़ना लिखना बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी सिखाएंगे। न्यूमरेसी के अंदर लेटर नंबर आइडेंटिफिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसी तरह लैंग्वेज का भी, तो फर्स्ट लैंग्वेज पे हमारा फोकस है, वो गुजराती भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। तो ये 2 महीने का मिशन है, इसके अंदर हम 2 महीने के बाद इन टीचर्स का, इन बच्चों का असेसमेंट करेंगे कि वो अब किस लेवल पर पहुँचे। तो इस पूरे इंटरेक्शन प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव यह है कि हम अलग अलग समय पे अलग अलग मिशन स्टार्ट करते हैं कि हमें ऐसे मिशन्स करने हैं। हमने पहले मिशन विद्या 1 भी किया है, बट मिशन विद्या 1 की जो हमारी शॉर्टकमिंग्स रही उसको सीखते हुए मैंने ये प्लान किया कि हम पूरे डिपार्टमेंट के साथ बैठ के ये हमने प्लानिंग की कि हम अगर टीचर्स को, एलिमेंट्री टीचर्स को जो ये काम करने वाले हैं उनको ये ऑब्जेक्टिव समझाएं कि प्रॉब्लम कहाँ है और बच्चा क्यों पढ़ लिख नहीं पा रहा है, उनको पूरा एजुकेशन सिनेरियो समझाया जाए कि इसीलिए कि अगर हम देखें कि हमारा 10वीं तक कितने बच्चे ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, कितने बच्चे 10वीं में फेल हो जा रहे हैं, उनको पूरा पिक्चर दिखाने के लिए, उनको थोड़ा जगाने के लिए कि वो कर सकते हैं और उन्हीं के हाथ से वो बच्चे उनके कार्यकाल में निकलते जा रहे हैं, बट फिर भी बच्चा पढ़ना लिखना नहीं सीख रहा है,
तो अब उनको हर बच्चे को 100% बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना पड़ेगा। ये उनका भी एक एग्ज़ाम है, उनका भी असेसमेंट है, ये सिर्फ बच्चों का असेसमेंट नहीं है। इस मिशन के द्वारा मैंने उन्हें ये भी मैसेज दिया है कि वो ये समझें कि ये उनकी जिम्मेदारी है। हम बच्चों के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे, हर बच्चा पढ़ना लिखना सीखना चाहिए, ये बहुत अनिवार्य है। हम ये कार्यक्रम दादर नगर हवेली का, आज हमारा सारा इंटरेक्शन 1600 टीचर्स के साथ फिनिश हो गया है। अब हम इसको दमन और दीव में भी करेंगे। 26 जनवरी को हमने ये प्लान किया है कि 26 जनवरी से हम मिशन विद्या 2 लॉन्च करेंगे और तब से ये 31 मार्च तक लागू रहेगा। टीचर्स पाड़ा पाड़ा जाके कोविड प्रोटोकॉल सारे के सारे फॉलो करते हुए, जैसे कि आज भी वो पढ़ा ही रहे हैं गांव-गांव में जाके हर जगह, वैसे ही वो जाके व्यवस्थित तरीके से एक बच्चों को, जो उनके सेलेक्टेड बच्चे होंगे उतने ही जाके पढ़ाएंगे और उनको बेसिक रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी सिखाएंगे।